अगर आपके आप पास आयुष्मान कार्ड है या आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम है तो इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया है कि आयुष्मान कार्ड से किस हॉस्पिटल में इलाज होगा और किस बीमारी का इलाज किस हॉस्पिटल में होगा आयुष्मान कार्ड से, क्योंकि बहुत सारे लोग आयुष्मान कार्ड बनवा लेते हैं लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता इस आयुष्मान कार्ड से हम कहाँ इलाज करवाए नहीं करवाए, क्योंकि जब तक सही हॉस्पिटल को नहीं वो चुनेंगे तब तक उसका आयुष्मान कार्ड काम ही नहीं करेगा, वह अस्पताल जहाँ पर आयुष्मान कार्ड एक्सेप्टेबल है। तो इस वीडियो में कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं कैसे आप पता कर सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से कि आप किस हॉस्पिटल में जाके अपने आयुष्मान कार्ड से इलाज करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, किस बीमारी का इलाज किस हॉस्पिटल में होगा वो भी हम सिखाएंगे आपको। चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। इसके लिए सिंपली आप मोबाइल फोन से कर सकते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर में आ जाएंगे, फिर यहाँ पर सर्च बार में सर्च करेंगे आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल फाइल्ड लिख देंगे एंड एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने लोकेशन का परमिशन मांगा जा रहा है तो आपने यहाँ पे एलो कर देंगे। उसके बाद आपके सामने जो फर्स्ट वाला वेबसाइट खोल के आ रहा है HEM इस तरीके से, तो इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, मतलब जिस भी स्टेट में आप इलाज करवाना चाहते हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिस जिले में आप इलाज करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोनों हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली नीचे आएंगे एंड कैप्चर कोड जो भी दिख रहा है ठीक है वो कैप्चर कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे एंड सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करते ही हमारे सामने नीचे आ चुका है 10 हॉस्पिटल का नाम। इस 10 हॉस्पिटल में जाके हम अपना इलाज करवा सकते हैं। जैसे कि इस हॉस्पिटल का क्या क्या दिया गया, हॉस्पिटल का नाम दिया गया है, हॉस्पिटल टाइप दिया गया, टाइप मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हॉस्पिटल या फिर पब्लिक हॉस्पिटल जो भी है यहाँ पे दिया गया है, हॉस्पिटल का पूरा एड्रेस दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, यानी कि हॉस्पिटल का पूरा एकदम डिटेल्स दे दिया गया है यहाँ पे 10 हॉस्पिटल का। आप किसी भी जिले को सिलेक्ट करेंगे तो आयुष्मान कार्ड से जो जहाँ भी इलाज होता होगा उन 10 हॉस्पिटल का यहाँ पे नाम आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप पता कर सकते हो कि किस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है। यहाँ पे टोटल चीज दे दिया गया है। इसी तरीके से अपना स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप पता कर सकते हैं। अब चलिए पता करते हैं। अब आपको बताते हैं कि किस बीमारी का इलाज किस हॉस्पिटल में होगा आयुष्मान कार्ड से पता करने के लिए। इसके लिए सिंपली ऊपर करेंगे फिर आएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर इसको अगर आप सिलेक्ट करना चाहते पब्लिक या प्राइवेट या नॉट प्रॉफिट या प्रॉफिट वाला हॉस्पिटल, यानी कि जो वह हॉस्पिटल जो प्रॉफिट वाला है या नॉट प्रॉफिट वाला हॉस्पिटल या पब्लिक हॉस्पिटल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसको डायरेक्टली छोड़ दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिला होगा इसी के बगल में, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप इनको बताएंगे कि कौन सा बीमारी है आपका, ठीक है, किस बीमारी का आप इलाज करवाना चाहते हो, किस बीमारी के लिए कौन अस्पताल ढूंढ रहे हो। जो भी आपका बीमारी है या जिस बीमारी का आप इलाज करवाना चाहते हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। हालांकि ये इंग्लिश में दिया गया लेकिन फिर भी आपको सिलेक्ट करना ही होगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि किस बीमारी का इलाज करवाना है आपको। तो सपोज दैट कि यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं कोई सा भी बीमारी, क्योंकि अभी तो हमें कराना नहीं है लेकिन हम सिलेक्ट करके सिर्फ आपको दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक बीमारी को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर कैप्चर कोड को एंटर करते हैं, सर्च पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर आपके जो आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया और जो बीमारी सिलेक्ट किया है अगर वो हॉस्पिटल उस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है तो आपका आ जाएगा, नहीं है तो नहीं रिकॉर्ड पर आएगा। तो सपोज दैट कोई और बीमारी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर कैप्चर कोड को एंटर करते हैं, सर्च पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे सामने आ चुका है दो हॉस्पिटल हमारे सामने आ चुका है। इन दो हॉस्पिटल में जाकर जो भी बीमारी हमने सिलेक्ट किया है वो इलाज होगा, मतलब जो भी बीमारी हमने सिलेक्ट किया और जो भी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है उस डिस्ट्रिक्ट में ये हॉस्पिटल है और उस बीमारी का इलाज इस हॉस्पिटल में हो जाएगा हमारा। यहाँ पे सर्च करेंगे तो इसी तरीके से आपका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप पता कर सकते आपका यही हॉस्पिटल में तो आपका जो इलाज होगा वो इसी हॉस्पिटल में होगा जो भी बीमारी सिलेक्ट किए हैं। आपका दो भी हॉस्पिटल आ सकता है, तीन भी हॉस्पिटल आ सकता है, आप किसी एक में जाके उस बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं किस बीमारी का इलाज किस हॉस्पिटल में होगा, आयुष्मान कार्ड से इलाज किस हॉस्पिटल में होगा, सारा चीज पता कर सकते हैं इसी तरीके से। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।